हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब का भंडार में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स के बारे में, जो नई भर्ती आने वाली है। अब इस बार क्या होगा कि ऑनलाइन भर्ती आएंगी और इसके अंदर काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। जैसे पहले 818 वैकेंसी आई थी AOC के अंदर, अब इस बार AOC के अंदर लगभग लगभग ये 2800 लेकर 3000 के अंदर वैकेंसी आने वाली है। पिछली 818 वैकेंसी थी उनकी फायरमैन और ट्रेडमैन, और लगभग लगभग उनका काम हो चुका है। जैसे एलडीसी का अभी रिजल्ट वो नहीं आया, रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ठीक है, वो भी आ जाएगा जल्दी। अब मैं आपको बताऊँ इसके अंदर वैकेंसी की बार 2800 से लेकर 3000 तक की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। और जॉब टाइप आपको पता ही है, सिविलियन जॉब है। और इसके साथ साथ एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट इसके अंदर वही रहने वाली है जो पहले थी। जैसे जनरल के लिए 18 से लेकर 25 साल हो गए, ठीक है। OBC, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, PH कैटेगरी है ना, इनको अलग से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो नोटिफिकेशन में आपको मैं बता दूंगा जब भी नोटिफिकेशन आएगी। और ये वैकेंसी 2021 में पक्की आएगी। यदि वैकेंसी नहीं आई तो ये मान के चलना आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ये पक्की इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो ये वैकेंसी है ये 2021 के अंदर ज़रूर आएंगी और इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। और कुछ भाइयों के सवाल आते थे कि अब FAD के अंदर जो आर्मी ऑर्डिनेंस डिपो है उनके अंदर वैकेंसी कब आएंगी, तो मेरे दोस्तों अब वैकेंसी नहीं आने वाली। अब क्या होगा कि सरकार क्या कर रही है, जैसे एक साथ रिक्रूटमेंट करवाएगी इनकी, 2800 से लेकर 3000 वैकेंसी एक साथ करवाएगी। आपको पता है डिपो के अंदर कितनी वैकेंसीज आती हैं, 150, 200 इतनी आती है ना, कभी कभी तो 100 वैकेंसी, कभी 50। तो अब क्या होगा कि एक साथ इतनी भर्ती करवाने के बाद वो अलग अलग डिपो में भेज देगी उनको, वहीं से उनसे पूछ लिया जाएगा कि आपको किस डिपो के अंदर जाना है। जैसे आर्मी के आल डिपोज हो गए, ठीक है, FAD हो गई, जैसे बहुत से डिपो हैं 1, 2, 3, 5 है। इसके साथ साथ AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स के अंदर भी आपको भेजा जा सकता है, FOD के अंदर आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ रनिंग की बात करूँ तो रनिंग वही रहने वाली जो पहले होती थी। जैसे 1600 मीटर रनिंग होगी टीममेट वालों के लिए, और उसका टाइम 6 मिनट दे रखा है इसके अंदर, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड है वो कितना देते हैं। और इसके कॉलेटर किस बेसिस पे आएंगे, कॉलेटर आएंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपके परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। आपकी जितनी परसेंटेज होगी उसके आधार पर ही आपके कॉलेटर आएंगे। इसके साथ साथ और मैं बात करूँ, आपका ये ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, और जल्दी आएंगे, कमिंग सून। और ठीक, इसके साथ आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आशा करूँगा। और रिजल्ट की बात, जो अभी जालंधर के अंदर रिजल्ट था, मैंने पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर कि 27 से लेकर 5 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 5 फरवरी को रिजल्ट नहीं आया, तो आप मान के चलो रिजल्ट आपका लेट ही आने वाला है। अब जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडमैन मेट की जो कोपर हो गई थी, पहले रिजल्ट एकदम तैयार है, वो अभी चंडीगढ़ गया है, और फायरमैन की जो सिकंदराबाद गया हुआ है। अब जब भी हेडक्वार्टर से साइन हो गए तो आ जाएगी। और एक चीज़, जो जालंधर का डिपो है उसकी NAC एक्सपायर है, ठीक है। NAC का मैं मतलब आपको बता देता हूँ, नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। मतलब कि इसका ये हो गया कि इनको है ना रिक्रूट करने की कोई अनुमति नहीं है, ठीक है। इन्होंने फिर भी करवा लिया, लेकिन रिजल्ट तभी, ज्वाइनिंग तभी दिलवाएंगे ये जब इनका NAC प्रमाण पत्र आ जाएगा MODC, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वहाँ से आता ये, ठीक है। MODC आता है इनका, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली के अंदर है, वहाँ से इनके NAC आ जाएगी, और NAC आने के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी। जय हिंद, जय भारत।